लॉकडाउन में चर्चाओं का केंद्र बना गाजीपुर का डैफोडिल्स स्कूल। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में कई सारी समस्याएं गंभीर रूप से सामने आ रही हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे मजदूर हैं जिनका काम धंधा बंद है और वो खाने खाने के लिए मजबूर है, लेकिन सरकार भी प्रयासरत है और उन तक भोजन पहुंचा रही है। सारे काम किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, लेकिन यहाँ पे एक और गंभीर समस्या है, वो समस्या है एजुकेशन की। जी हाँ, शिक्षा की, कि जो बच्चे स्कूल में थे, जिन बच्चों का की परीक्षाएं थी, वो परीक्षाएं रुक गई हैं, बच्चों को एजुकेशन भी इस वक्त नहीं मिल पा रही है। स्कूलों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस दौरान बच्चों को एजुकेशन कैसे दें। वैसे तो सरकार ने बोला है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन का प्रक्रिया अपनाइए और बच्चों को एजुकेशन दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि किस तरह से लॉकडाउन के दौरान छात्रों को एजुकेशन दिया जाए। और हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो एक बेहतरीन स्कूल चलाते हैं, जिस स्कूल का नाम है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स स्कूल जनपद गाजीपुर में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के शहर में स्थित है, शहर के मिस बाजार क्षेत्र के पास न्यू मार्केट है, वहीं पर ये स्कूल स्थित है जिसका नाम है डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल। इस स्कूल की खास बात क्या है? इस स्कूल में बहुत सारी व्यवस्थाएं पहले से थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस स्कूल में अगर आप अंदर जाएंगे तो पांचवी तक के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था है। पीजी से लेकर पांचवी तक के बच्चे पढ़ते हैं। क्लासरूम हाईटेक क्लासरूम है। हाईटेक क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगा हुआ है। एक मिनी थिएटर भी इस स्कूल में आपको मिल जाएगा, जहां बच्चों को बेहतर एजुकेशन के साथ साथ एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है। ये स्कूल पीजी से लेकर कक्षा 5 तक चलता है और इस वक्त यानी लॉकडाउन में सबसे बड़ा चैलेंज है कि पांचवी तक के बच्चों को एजुकेशन कैसे दी जाए, क्योंकि जो एजुकेशन रेगुलर चल रहा है, अगर उसमें रुकावट आती है तो बच्चों को परेशानी हो सकती है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए। हमने डैफोडिल्स स्कूल के ऑनर जो है शरद अग्रवाल, उनसे कॉन्टेक्ट किया और जाना कि वो किस तरह से बच्चों को एजुकेशन पहुंचा रहे हैं। हमने चर्चाएं सुनी थी, कई सारे छात्रों ने हमें बताया कि डैफोडिल्स स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बड़ी बेहतरीन तरीके से एजुकेशन देने का काम कर रहा है। तो हमने भी जानने की कोशिश की और जानना चाहा कि इस एजुकेशन का प्रक्रिया जो है ऑनलाइन, वो कैसे अपना रहे हैं, क्योंकि जिस जगह ये स्कूल मौजूद है यानी उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में, टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं ना कहीं बड़े शहरों से वो पीछे है। कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़े कमजोर हैं कि वो बच्चों को किस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिक्षा दे पाएंगे, क्योंकि बच्चे घर में हैं और पेरेंट्स के सहयोग से ही बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसे में ये समझना जरूरी था कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन की प्रक्रिया शुरू की। क्योंकि बच्चे पांचवी तक के हैं तो उनके लिए मोबाइल से का यूज बहुत फ्रेंडली नहीं होगा और वो मोबाइल बहुत फ्रेंडली यूज नहीं कर पाते होंगे, और उम्मीद है कि पेरेंट्स उन्हें मोबाइल देते भी नहीं होंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज है उनके एजुकेशन का। तो हम गए शरद अग्रवाल के पास और जो कि स्कूल के ऑनर हैं, उनसे पूछा हमने कि किस तरह से उन्होंने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया। आइए चलते हैं उनके पास और बात करते हैं। जी सर, आपका परिचय। मेरा नाम शरद कुमार अग्रवाल है और मैं प्रबंधक हूँ डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल, जो कि सहकारी कॉलोनी आमघाट में स्थित है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, जैसा कि आपको भी पता है कि कोरोना संक्रमण जो है हमारे देश में लगातार अपनी संख्या दर्ज करवा रहा है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसको पूरा देश मान रहा है और उसका पालन सख्ती के साथ किया जा रहा है। ऐसे में बात आती है शिक्षा की, तो शिक्षा के ऊपर काफी इसका असर हो रहा है। जो बच्चे हैं अपने घर में हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो उससे उनका समय भी बर्बाद हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सरकार ने ये घोषणा किया था कि स्कूल जो है वो ऑनलाइन शिक्षा का पैटर्न अपना है, तो ऐसे में आपका स्कूल क्या कर रहा है? वर्तमान में हमारे स्कूल ने
व्हाट्सएप के थ्रू एजुकेशन स्टार्ट की, ऑनलाइन एजुकेशन, जिसके अंतर्गत हमारे स्कूल के टीचर्स फैकल्टी जो है वो टीचर वीडियोज़ बना के बच्चों को कोई भी उनके सब्जेक्ट को नरेट करके भेज रही हैं, प्लस उनके बुक्स की जो स्कैंड कॉपी है वो हम व्हाट्सएप के थ्रू अपलोड कर रहे हैं। जिन पेरेंट्स के पास प्रिंटर की फैसिलिटी अवेलेबल है वो एटलीस्ट उसको प्रिंट कर पा रहे हैं, और जो जिनके पास नहीं है वो थ्रू आउट मोबाइल अपने बच्चों को उससे पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि व्हाट्सएप का पैटर्न आपने अपनाया है, व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म को आपने यूज किया है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी सुविधाएं मिल सकती हैं जिनके पास प्रिंटर्स वगैरह की फैसिलिटी ना हो, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। आपका क्या मानना है कि जैसे बहुत सारे आपके पास बच्चे होंगे स्कूल में, आप जो स्टूडेंट्स होंगे वो गरीब भी होंगे, कुछ सक्षम भी होंगे, लेकिन जो गरीब होंगे तो उनके पास मैं उम्मीद तो करता हूँ कि आज के टाइम पर मोबाइल फोन तो उनके हाथ में होंगे, तो किस तरह से व्हाट्सएप पे आप क्या ऐसा आपका कॉन्सेप्ट करता है कि उनको इजीली वो एक्सेस कर लें और पढ़ लें? सिंपली आज के वक्त में जितने भी पेरेंट्स हैं हमारे यहाँ, हमने पेरेंट्स को हर स्टूडेंट वाइज कॉल की, उनके व्हाट्सएप नंबर को कलेक्ट किया, उसके बाद हमने क्लास वाइज ग्रुप बनाया हुआ है। पेरेंट्स को हम मॉर्निंग में 9 to 12 सारे जो भी चीज़ें होती हैं वो उनको भेजते हैं, और उसके बाद पेरेंट्स एनी टाइम हमारे टीचर्स को कॉल करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन और व्हाट्सएप दोनों का आप बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। अभी आपका क्या मानना है जिस तरह से परिस्थितियां चल रही हैं उसके उसका एजुकेशन के ऊपर किस तरह का प्रभाव है? एजुकेशन नो डाउट इसका काफी बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं बुरा ही इम्पैक्ट है, क्योंकि स्कूल का जो एटमॉस्फियर होता है, स्कूल में जो टीचर की ब्रीफिंग होती है वो इंटरनेट के थ्रू पूरी नहीं की जा सकती, कहीं ना कहीं वो चीज़ें कमी रह जा रही हैं। तो इस वजह से, और एक समस्या और है कि अभी पेरेंट्स के पास या बच्चों के पास बुक्स नहीं अवेलेबल हैं, तो आप कितनी भी कोशिशें कर लें केवल मोबाइल से देख के बच्चों को पढ़ाना संभव नहीं है। प्लस इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि धीरे धीरे बच्चे मोबाइल के लिए ज़्यादा एडिक्टेड होते जा रहे हैं। तो ऐसे में जैसा कि आपने बताया कि बेसिकली आपका स्कूल जो है फिफ्थ तक की क्लासेज आपके स्कूल में चलती हैं, और जाहिर सी बात है कि वहाँ पे बुक्स की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ई बुक को एक्सेस करने में भी समस्याएं आ सकती हैं, गाजीपुर का माहौल भी है उसको भी मद्देनजर रखना है। तो ऐसे में जिला प्रशासन से आप क्या उम्मीद करते हैं? जिला प्रशासन से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यथासंभव जब भी उन्हें लगता है कि नहीं अब कोरोना से हम कुछ हद तक सुरक्षित हैं, तो कृपया बुक सेलर्स को ये परमिटेड किया जाए कि वो डोर टू डोर सप्लाई कर सके सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए, डोर टू डोर सप्लाई कर सके। ऐसे में हमारी भी बात जिला प्रशासन से हुई थी कुछ दिन पहले, तो जिलाधिकारी ने ये आश्वासन दिया था कि हम ऐसी कुछ व्यवस्था करेंगे, उम्मीद है कि वो जल्द ही शुरू हो जाए। मैं ये जानना चाहूंगा सर कि अभी जो सिस्टम आया है, डिजिटल सिस्टम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि खबरें भी आप पढ़ते हैं तो आप अखबारों और टीवी चैनलों से नजरें हट रही हैं, मोबाइल पे ज्यादा ही जाती हैं, क्योंकि इजिली होता है मोबाइल से किसी भी चीज को देखना समझना। तो इस तरह से कितना बेनिफिशरी है, कितना बेनिफिट का मिल सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आज के टाइम पर आने वाले फ्यूचर में? देखिए अभी तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि फिलहाल हमारे यहाँ संचार की सुविधाएं उतनी हाई लेवल पे नहीं है कि हम इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुके। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या होगा जब हमारी संचार सुविधाएं सारी परफेक्ट रहेंगी, और प्लस हर तरह से हमारे पास वो फैकल्टी अवेलेबल रहे, पेरेंट्स का वैसा ट्रीटमेंट रहे, तब जाके हम इसको कहेंगे कि नहीं हमने एक पूरा रूपरेखा इसकी प्रॉपर कर ली है। बेसिकली आपकी बातों से ये समझा जाए कि जो गवर्नमेंट चाहती या जो एक विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का, उस विजन को पूरा करने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए हमें संचार व्यवस्थाओं में सुधार लाने की आवश्यकता है। जी हाँ बिल्कुल। आखिरी में मैं यही पूछना चाहूंगा कि कोरोना संक्रमण एक गंभीर मुद्दा है, एक गंभीर मामला है, तो इसके ऊपर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सारे जनपदवासियों, अपने अभिभावकों और बच्चों से यही अपील करूंगा कि वो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, नियमित तौर पे हाथ मुंह धोएं और मुंह नाक आँख को छूने से बचें, बाहर जाने से बिल्कुल ही बिल्कुल बचें, सोशल डिस्टेंस बहुत पूरा मेंटेन करें और बहुत जरूरत होने पे ही घर से बाहर निकलें। थैंक यू वेरी मच सर आपको एबीटी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए।